हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड का पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, मुझसे दोस्ती करोगी। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, उसके बाद हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। टहलना, टहलना क्या होता है? धीरे धीरे चलना। साहस, साहस क्या हो गया? हिम्मत। रोशनी, रोशनी क्या होता है? उजाला। विचित्र, विचित्र हो गया बड़ा ही अनोखा, अलग। उपहार, उपहार होता है भेंट। तो आओ पढ़ते हैं पाठ के बारे में क्या लिखा है। मुझसे दोस्ती करोगी, पाठ के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से अलग कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है? मिनी और पिंकी एक दूसरी दुनिया के विचित्र प्राणी से मिले। विचित्र हो गया बड़े ही अनोखे, एक दूसरी दुनिया के प्राणी से मिले वो। फिर क्या हुआ इस कहानी में पढ़िए। गर्मियों के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। भोजन करने के बाद मिनी और पिंकी अपनी माँ के साथ छत पर टहल रही थी। टहल रही थी मतलब धीरे धीरे चल रही थी। उनके पिता किसी काम से कनाडा गए हुए थे। कुछ देर बाद माँ आइसक्रीम लेने नीचे चले गए। मिनी और पिंकी खेलने लगी। अचानक मिनी ने आसमान से इडली जैसी कोई बड़ी सी चीज़ अपनी ओर आते हुए देखी। इडली जैसी ये, ठीक है, तो इडली जो दाल और चावल को पीसकर इडली बनती है, उस जैसी उसने कोई चीज़ देखी। मिनी चिल्लाई, पिंकी देखो कितनी बड़ी इडली। पिंकी ने ध्यान से देखते हुए कहा, मिनी यह इडली नहीं उड़न तश्तरी है। उड़न तश्तरी मतलब उड़न कटोला है। उड़न तश्तरी यानी अंतरिक्ष यान। उड़न तश्तरी बोलती है, उड़न तश्तरी यानी अंतरिक्ष यान। उड़न तश्तरी मैदान में उतर गई। यान का दरवाज़ा खुला, उसमें से एक विचित्र प्राणी उतरा। विचित्र प्राणी उतरा मतलब बड़ा ही अनोखा प्राणी उतरा। वह मिनी और पिंकी के घर की ओर आने लगा। दोनों छत से उसे ही देख रही थी। इतने में उस प्राणी ने एक ऊँची ऊंची कूद लगाई और सीधे छत पर पहुंच गया। मिनी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? अब उन्होंने बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही अनोखा प्राणी देखा तो वह डर गई। और डरते डरते उसने मिनी ने क्या पूछा कि आप कौन हैं? उस प्राणी ने कहा, डरो नहीं, मेरा नाम जीबा है। जो वो विचित्र प्राणी था उसका नाम क्या था? जीबा था। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। वे देखो, उस नीले तारे पर मेरा घर है। पिंकी ने साहस करके पूछा, बड़ा ही उसने साहस करके पूछा कि हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब वो डर रही थी उनसे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और पूछा उससे कि आप यहाँ क्यों आए हैं? जीबा ने कहा, मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। मैं रोज़ अपने घर से तुम दोनों को देखता था। मेरी भी तुम्हारे साथ खेलने का मन करता था। मेरा भी तुम्हारे साथ खेलने का मन करता था। क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलोगे? जीबा पूछने लगा। मिनी ने झट से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम्हारा नहीं आपका, मतलब पहले उसने उसको क्या बोला कि क्या तुम्हारा, फिर जल्दी से वे बोलती नहीं आपका। तुम्हारा बोलना उसको अच्छा नहीं लगा, उसने फिर झट से उसको बोला, आपका कोई दोस्त नहीं है? जीबा हंसकर बोला, मिनी मुझे तुम ही कहो। उसने बोला कि मुझे आप कहने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे तुम ही कहो, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, हमारी दुनिया में सब बड़े ही बड़े हैं, मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पापा ने मुझे ये खिलौना यान लेकर दिया। कौन सा खिलौना दिया था उस जीबा को? उसके पापा ने यान लेकर दिया था। इसी में बैठ कर मैं तुम्हारे पास आ गया। पिंकी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें यान चलाना आता है? जीबा हंसकर बोला, हाँ ये मेरा यान है, मैं इसमें वैसे ही सैर करता हूँ जैसे तुम अपने दो पहियों वाले यान पर करती हो। मिनी को हंसी आ गई, बोली, उसे हम यान नहीं साइकिल कहते हैं, दो पहियों में दो पहियों वाला जो यान होता है, बोलती है उसे हम दो पहियों वाला यान नहीं क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, आओ हमारे साथ खेलो। जीबा ने पूछा, तुम दोनों अभी क्या खेल रही थी? मिनी ने बताया, हम अभी स्टापू खेल रही थी। स्टापू हो गया लगड़ी टांग जो हम खेलते हैं, तो खेल रही थी। तुमने कौन सा खेल पसंद है? बोलती है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? जीबा ने कहा, मुझे तो छुपना और ढूंढने का खेल
पसंद है। पिंकी ने कहा, जीबा उसे हम छुपन छुपाई कहते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर हम आंख मिचोली भी खेलते हैं। जीबा ने फिर पूछा, तुम और कौन कौन से खेल खेलती हो? पिंकी ने बताया, जीबा हम पकड़म पकड़ाई, खो खो, रस्सी कूद और बहुत सारे खेल खेलते हैं। इतने में मिनी और पिंकी की माँ आइसक्रीम लेकर आ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को एक विचित्र प्राणी के साथ खेलते देखा, वह बहुत डर गई। पिंकी ने उन्हें जीबा के बारे में बताया, किसको? पिंकी ने अपनी माँ को जीबा के बारे में बताया। माँ जीबा से मिलकर बहुत खुश हुई, उनको भी जीबा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तीनों को आइसक्रीम दी, जीबा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तीनों खेलते रहे, फिर जीबा ने पिंकी और मिनी को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें बताई। मिनी ने पूछा, जीबा क्या तुम चांद पर बैठी बुढ़िया और सफ़ेद खरगोश से मिले हो? यह सुनकर जीबा हंसने लगा। उसने कहा, मिनी चांद पर कोई बुढ़िया नहीं रहती, वहाँ ना तो हवा ना पानी, इसलिए वहाँ ना पेड़ पौधा है और ना ही जीव जंतु कि पशु पक्षी भी नहीं है वहाँ पे, ना पानी है और ना ही कोई बुढ़िया रहती है, वहाँ केवल बड़ी बड़ी चट्टानों और गड्ढे हैं। क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे हैं। सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से जीबा की बातें सुनी। रात बहुत हो गई थी। जीबा ने कहा, पिंकी और मिनी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब मुझे अपने घर जाना होगा। मिनी ने जीबा को अपनी गेंद दी, पिंकी ने जीबा को अपनी गुड़िया दी। उपहार पाकर जीबा बहुत खुश हुआ, उपहार पाकर मतलब भेंट पाकर वे बहुत खुश हुआ। उसने वायदा किया कि अगली बार वह उन सबको अंतरिक्ष की सैर कराएगा। इसके बाद जीबा यान में बैठकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया। यह थी मिनी, पिंकी और जीबा की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पढ़ेंगे।